तो फ्रेंड्स सीएससी में एक नई सर्विस आ चुकी है, सीएससी एफटीटीएच। ठीक है, सीएससी एफटीटीएच की फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। एफटीटीएच का मतलब है फाइबर टू द होम। ठीक है, जो कि सीएससी वाईफाई चौपाल के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, सीएससी वाईफाई चौपाल काफ़ी पहले से सीएससी में आ चुका है, पर अब सीएससी वाईफाई चौपाल एक नई सर्विस शुरू कर रहा है जिसका नाम है फाइबर टू द होम। ठीक है, अभी तक जो भी वाईफाई देता था सीएससी वो एयर के जरिए देता था, अब वो वाईफाई यानी कि इंटरनेट सर्विस को फाइबर के जरिए देगा। ठीक है, तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, 100 Mbps की स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर आज की वीडियो में बात करेंगे कि सीएससी एफटीटीएच प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट से आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, और सीएससी वीएलयू को इस प्रोजेक्ट में क्या इनकम होगी सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर सीएससी एफटीटीएच, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सीएससी एफटीटीएच प्रोग्राम में। सारे टॉपिक्स पर आज की वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के काफ़ी काम का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एफटीटीएच पब्लिक बेनिफिट, ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इससे आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा सीएससी एफटीटीएच से। तो सीएससी एफटीटीएच से जो आम पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है वो ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो पब्लिक है लगभग सभी घरों में 4 से 5 मोबाइल डिवाइस आज की डेट में हैं और सभी लोगों को इंटरनेट सर्विस यूज करना है। ठीक है, वो लोग रिचार्ज करवाते हैं अपने फ़ोन पर और इंटरनेट की स्पीड काफ़ी डाउन होने की वजह से वो ठीक से इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल जितने भी ऑपरेटर हैं सभी का इंटरनेट डाउन हो जाता है। ठीक है, शाम को और मॉर्निंग में डाउन होना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइस काफ़ी बढ़ गई हैं इस वजह से स्पीड डाउन होती है। तो यहाँ पर सीएससी एफटीटीएच प्रोग्राम के अंतर्गत अगर वो एफटीटीएच का कनेक्शन करवाते हैं फाइबर के, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पर 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और एक इंटरनेट कनेक्शन से घर की सारी डिवाइसेस चल पाएंगी, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी वो चाहते हैं वो उसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई है आम पब्लिक की। ठीक है, कि आम पब्लिक को एफटीटीएच से क्या लाभ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको एफटीटीएच से क्या फ़ायदा होगा। देखिएगा, हर ग्राम पंचायत में लगभग 4-5 गाँव लगते हैं। ठीक है, और 4-5 गाँव में काफ़ी सारे सरकारी ऑफिस होते हैं। ठीक है, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया और पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे दफ्तर होते हैं सरकारी, लगभग 4 से 5 या 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी को नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, तो सीएससी वीएलयू वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन देगा। ठीक है, और वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को पहुँचाएगा। और यहाँ पर एक और बेनिफिट है कि यहाँ पर जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो 50% रेट पर प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे 50% कम रुपए में सीएससी जो है चार्ज करेगी, और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी सीएससी। ठीक है, और सीएससी कनेक्शन लगवाने के लिए वीएलई को 7300 रुपीज देगी। ठीक है, ये वीएलई को मिलेगा लगवाने के लिए। इसके बाद में उन ऑफिस में जो मेंटेनेंस होगा यानी कि हर महीने उनकी जो देख रेख हुई कनेक्शन की, उनके लिए 100 रुपये पर ऑफिस के हिसाब से सीएससी देगा वीएलई को। ठीक है, यानी कि लगभग 40 ऑफिस अगर 40 घरों में या कोई भी 40 कनेक्शन अगर सीएससी वीएलई कर लेता है तो 100 × 40, ठीक है, लगभग 4000 रुपये मंथली की एक पैसिव इनकम सीएससी वीएलई को मिल जाएगी। और इसके बाद में 7300 रुपीज कोई गवर्नमेंट ऑफिस में अगर सीएससी वीएलई कनेक्शन करता है तो उनको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है, आप जान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में ओनली एक वीएलई को ही सीएससी एफटीटीएच का काम दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके बारे में और अधिक जानकारी आप सीएससी वाईफाई चौपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और इसको रजिस्टर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके हर ग्राम पंचायत में 2-3 वीएलई और होते हैं, तो उनको अगर ये काम मिल जाता है, ठीक है, तो आपको शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक वीएलई को ओनली काम मिलेगा एक ग्राम पंचायत में। ठीक है, और ये जो एफटीटीएच प्रोग्राम है ये ओनली विलेजेस के लिए आया हुआ है, रूरल एरिया के लिए आया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाउ टू रजिस्टर सीएससी एफटीटीएच। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सीएससी एफटीटीएच में। सीएससी एफटीटीएच में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी तक ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं आई हुई है, पर आप इसको अब रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात कर सकते हैं
और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट हेड का कॉन्टेक्ट नंबर सभी कुछ निकाल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लीजिएगा इस प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, कैसे रजिस्टर होगा, सारी जानकारी आप वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो वीएलई की इनकम की बात हो गई है। यहाँ पर वीएलई की इनकम जो है 36,000 रुपये तक हो सकती है, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती है अगर उनके प्राइवेट कनेक्शन लग जाते हैं, घरों में कनेक्शन अगर दे देते हैं तो उनके और भी ज़्यादा इनकम बढ़ सकती है। ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये भी मंथली हो सकती है क्योंकि सभी घरों में डिवाइसेस हैं और सभी को इंटरनेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपका सीएससी एफटीटीएस से रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।